कि सुबह सुबह 4 बजे बहुत ऐसी सर्दी थी, और मुंबई में सोमैया कॉलेज में ये शिविर था, मैं उसको अटेंड करने, 93 की बात कह रहा हूँ, शायद 93 हो सकता है। और गुरु जी ने कहा था कि जो भी साधक यहाँ हैं, आप अपनी मनोकामना पूर्ण लो और रुद्राक्ष को अपने हाथ में रख लो, और इस रुद्राक्ष को मैं मंत्र बोलने के बाद आप हवन कुंड में डाल के आओ। तो अभी मैं वहां बैठा था, मुझे बहुत इच्छा थी कि गुरु जी का शिविर करूं। गुरु जी के शिविर उस जमाने में करना कोई मामूली बात नहीं थी। मैं एक नौकरी करने वाला कितना पैसा कमाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2000-3000। अब गवर्नमेंट की नौकरी में उससे ज्यादा तो तनख्वाह होती नहीं थी उस समय। मैंने कहा कि गुरु जी का शिविर होना है तो ऐसा करेंगे, गुरु जी से पूछेंगे कि गुरु जी एक 20 लाख रुपए दे दो मेरे को, मैं आपको शिविर करूंगा। इसी मनोकामना रख के मैं गया, और मैंने वो रुद्राक्ष जैसा गुरु जी ने कहा वैसा होम में डाल दिया, होम में डाल दिया। और गुरु जी ने कहा था कि तुम्हारी इच्छा ऐसे 3 महीने में पूर्ण होगी या तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब मैंने इच्छा तो डाल ली, देखता रहा, 1 महीना गया 2 महीना गया 3 महीना गया, 4 महीना, साल गुजर गया, 2 साल, 20 लाख रुपए तो हरे ही नहीं। गुरु जी को मैंने तो बोला मनोकामना पूर्ण हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये क्या बात हुई। लेकिन उस जमाने में क्या हुआ था, एक हमारे पास, मेरे पास पैसे लिया था, उसने 3000 रुपये लिए थे, वो मुझे लौटा नहीं रहा था। तो मैंने उसके पास जाकर, भाई मेरे 3000 रुपये लेते थे, मुझे शिविर को जाना है। तो उसने कहा प्रभु मेरे पास पैसे तो नहीं है। हाँ एक बात कह सकता हूँ मैं तुम्हारे को, और एक मुझे 10000 रुपये दे दो, मेरी जमीन है मैं आपको लिख के देता हूँ। अरे मैंने कहा 3000 रुपये दे, ये इससे अच्छा अच्छा आ गया और जमीन ले लूँ। उसको 10000 रुपये दे दिया और मैंने वो कागज लिख लिया उसके पास से, बात आई गई हो गई। मैंने गुरु जी का शिविर 97 में किया। हुई बात ये कि मैंने गुरु जी को 20 लाख रुपये मांगे थे, उस जमीन की कीमत मैंने जो 13000 की थी उस समय 20 लाख रुपये हुई और मैंने शिविर मांगा। मैं कहता हूं कि अपनी मनोकामना गुरु के साथ मांगने में भी एक विधान है, हम विधान को नहीं जाते। हमने मनोकामना तो बोली, मैंने बोल लिया, और तब मुझे आज भी याद है उस समय गुरु जी के चरणों में मैं पढ़कर आंसू मेरे आंखों में आ रहे थे, इसलिए कि गुरु जी पूछा क्या हुआ जोशी क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा गुरु जी आपका उच्चिष्ट दे दो, आपका खाया हुआ खाना। बोले क्यों, मैंने जब तक गुरु पूर्णिमा नहीं होगी तब तक 6 महीने 7 महीने तक खाना छोड़ दिया था कि गुरु पूर्णिमा अच्छी हो। और आज भी लोग कहते हैं कि हैदराबाद की आखिरी गुरु पूर्णिमा सबसे शानदार थी और अच्छी थी, गुरु जी की रचना गुरु पूर्णिमा अच्छी हो। और उसके लिए गुरु जी का दिया हुआ मनोकामना मैंने रखी थी मेरी जेब में, और गुरु जी को मैंने देते हुए कहा था कि गुरु जी मैंने मनोकामना ये मुंबई की शिविर मांगी थी, आज मेरी मनोकामना पूर्ण कर रहे थे। और गुरु जी हंसने लगे, कहा मनोकामना पूछते समय 3 महीने में पूछना था, तो 20 लाख रुपये ये नहीं बोला कि कब तक दूंगा, तो 5 साल। तो ऐसी मनोकामना हम कभी कभी बोल लेते हैं कि उसका अवधि नहीं रखते। मेरी गुरु जी बोले मेरी बेटी की शादी हो जाए, कोई पूछ लेता है बेटी की शादी हो, लेकिन टाइम नहीं लगाता, 3 साल के बाद हुई तो क्या फायदा, 1 महीने में हो जाए तो अच्छा है, लेकिन हम अवधि नहीं रहते। मनोकामना पूर्ण की एक उदाहरण छोटा सा दे रहा था मैं, ऐसे भी हम मनोकामना बोलते बोलते बोल लेते हैं। हम हमारे जीवन में इतनी जरूर है, जिस गुरु के वचनों में सिद्धि है, जिस गुरु, जो गुरु तपस्यावान है, जो गुरु साधनाएं संपन्न करता है, जो गुरु अपने सेवा में, अपने गुरु की सेवा में तत्पर है। आज मैंने कल भी आपको कहा, जिस उद्देश्य से लेकर आज दशमाहम जैसे गुरु मंदिर बांध रहा हूँ, आज उस मंदिर को किसी से भी, पहले से भी कहते आया हूँ आज भी ये कह रहा हूँ, किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगते, साधना के बल पर मैं गुरु मंदिर मांग के बताऊं गुरु जी, और आज और साधना के बल पर ही मांग रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप भी ऐसे ही सामर्थ्यवान बने, मेरी यही इच्छा है। कोई आपको किसी के ऊपर मैं ये नहीं कहता, शक्तिपात दीक्षा करता सिद्धिपात दीक्षा नेता, सिद्धि प्रदान करना नहीं होता, शक्तिपात क्या अर्थ होता है, तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ तुम वो साधना संपन्न करो। बिना साधना के कोई, आज हाँ रामचंद्र जी को ले लो, कृष्ण जी को ले लो, हनुमान जी भी कामकला काली के साथ साथ, रावण भी, जिसने सभी तपस्या और साधना के बल पर ही देवताओं को पाया है, बिना देवताओं को, बिना किसी को लिए, हम कोई साधना के बिना किसी शक्तिपात दीक्षा से हम प्राप्त करके ऐसा कभी नहीं होता। जो 4 मालाएं गुरु मंत्र जप की नित्य करता है और साधना मार्ग में चलता है, निश्चित रूप से उसका जीवन उज्जवल है और भारत के, अपने परिवार के लिए, भारत देश के लिए भी एक सिद्ध साधक कहलाएगा और एक उच्च कोटि का व्यक्तित्व कहलाएगा। मैं आपको कहता हूँ कि आप साधना कम से कम साधना नहीं होती तो गुरु सेवा तो करें, गुरु सेवा करें, गुरु को ऐसा प्रसन्न करें कि गुरु जी के मुख पर आपका नाम। एक बार गुरु जी शिविर में कहते कहते कहा, गुरु जी कहा करते थे कि मैं अगर मंत्र बोलता हूँ
मैं अगर बुलाता हूँ तो देवता आते हैं। इस मुख में इतनी सिद्धि है कि मैं अगर बुलाऊं तो देवता भी आ जाते हैं। अगर इस मुख में तेरा नाम आ गया तो तू देवता हो गया। उस दिन उन्होंने कहा था। आज मैं आपके सामने हूँ गुरु जी, मेरा नाम याद रखे आपके सामने हूँ। जो भी तुम्हारा नाम गुरु के मुख से आ गया, जो मुख सिद्धि वाले हैं, जिस मुख में सिद्धि है, जिसके मंत्र में सिद्धि है, ऐसा वचन अगर तुम्हारा नाम ले सकता है तो तुम भी सिद्ध हो जाओगे, किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी। गुरु जी ने उस दिन भी कहा था, कल आज मैं हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं रहे, मैं कल चला जाऊंगा तो मेरे मंदिर और घंटे घड़ियाल बजाएंगे, क्या फायदा हो। कृष्ण को रहते समय किसने पहचाना नहीं, बाद में बहुत सारे मंदिर बने, क्या फायदा हो। तुम गुरु के रहते हुए पहचान सकते हो तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। आगे आने वाला दिन कल तुम्हें याद करेगा। हम हमारे जीवन में योग्य गुरु की, तपस्यावान गुरु की, सिद्ध गुरु की आप अगर चरणों में नमस्कार करते हैं तो आपका नमस्कार हो या आपकी इच्छा हो कभी खाली नहीं जाएगी, निश्चित रूप से पूर्ण होगी। ऐसा ही करते हुए इस यहाँ विराम देता हूँ। चंद्रमोहन जी को भी कहता हूँ कि मैं यहाँ शिविर को ही कर रहा हूँ, शंका समाधान वाले कल सुबह मुझे मिले। आज रात में मैं चंद्रमोहन जी को नहीं बताया लेकिन मुझे भी साधना करनी है। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, आज मुझे भी साधना करनी है। कल सुबह आपको अगर कोई शंका समाधान है तो मिलता हूँ। अगर सब जो लोग यहाँ आए हैं रुकने वाले हैं तो उनसे पता कर ले, नहीं तो आप सीधे घर जाएं, निश्चित रूप से आपके पीछे धनलक्ष्मी आएगी और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तीन महीने में आप कहेंगे आज का दिन भी याद रख लेना और तीन महीने का दिन भी याद रख लेना कि आपके और आप उस दिन में क्या फर्क है, आपकी नौकरी आई, पैसा आया, धन दौलत से आप ऐश्वर्यवान हुए ना हुए मुझे जरूर बता देना। आशीर्वाद देता हूँ। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय, गुरुदेव की जय, सिद्धाश्रम की जय।